सो गाइस, आज मैं मंदिर गई थी ना, तो थोड़ी सी क्लिप लिया था। देख रहे हैं कितना बढ़िया डेकोरेट हुआ है। अभी ये हर कलर की लाइट वगैरह चल रहा है। ये दुखरनाथ मंदिर का है जो मैं जाती हूँ। और आज भीड़ नहीं थी ज़्यादा, भीड़ तो होती ही नहीं, लेकिन आज पुलिस थोड़ा सा दूर थे और मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया था आप लोग के लिए। तो ये देखिए दुखरनाथ बाबा कितने सजे बजे हैं। अभी अंदर ही डेकोरेट हुआ है, अगर लॉकडाउन ना होता तो ये बहुत अच्छा डेकोरेट होता है। बारात वगैरह ऐसी निकलती है यहाँ पे, मतलब बहुत बढ़िया लगता है गाइस। लेकिन क्या बताऊँ, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना की वजह से ये नहीं मतलब हो रहा है। और ये देखिए जैसे कि जल वल चढ़ाते हैं ना, इधर ही से चढ़ाते हैं और आराम से चला भी जाता है भोलेनाथ के। तो आजकल ना कोरोना चल रहा है तो भगवान को भी नहीं छूने दे रहे, भगवान को ही बताइए। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे। और मैं आज थोड़ी क्लिप आध्या के लेके आई हूँ। तो ये देखिए जब वो छोटी थी ना तब कैसे लग रही थी, और अब बड़ी हुई है, बाल वाल होने के बाद ये कैसे लग रही है। और अब ना जब ये छोटी थी उनका, जब ये मतलब बेबी मतलब हुई थी, 10 दिन का था, 10 दिन की थी ना, तब की मैं क्लिप भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग ज़रूर बताना कैसी लगी आराध्या की क्लिप। और ये देखो, और मुंह बना के, मतलब इनका एक अलग ही होता है कि मतलब इनका फ़ोटो वगैरह कोई क्लिक करता है अगर, तो ये बहुत एक मतलब पोज देने में बहुत आगे है। देख रहे हैं आप लोग कितना बढ़िया ले रहे हैं। और यहाँ पे आराध्या 10 दिन की थी तो ये कितनी छोटी थी, कितनी मतलब जब भी छोटी थी तो मोटी वगैरह बहुत थी, जब ना वो लंगोटी में बच्चे रहते हैं ना तब का है ये। तो ये देखो, ये अपने बुआ के पास ये थी। और ये देखो जब ये बैठना भी स्टार्ट नहीं किया था तब का है। आपों को तकिया वगैरह पिलो वगैरह लगा के ना सहारे के से भी इनको बैठाया जाता था। और जब ये पैदा हुई थी ना तब ठंडी थी, एकदम ठंडी सी, बहुत ठंडी पड़ती थी उस टाइम ही हुई है इनका, मतलब 30 जनवरी को है। ये देखो जब छोटी छोटी थी, छोटे बच्चे कितने क्यूट लगते हैं। उसके बाद थोड़े दिन के बाद आराध्या ने, 1 महीने की हो चुकी थी ना ये जब यहाँ पे बैठी हुई है और मैं कुछ काम कर रही थी, ये भी कितना मस्त होके, और छोटी थी तो बहुत मोटी थी, बहुत क्यूट थी और अभी भी वैसे है फिलहाल। ये देखिए जब इसका छठी हुआ था ना, छठी होता है जब, छठे दिन का तब की थी ये इनकी क्लिप है। और ये देख सकते कितनी क्यूट लग रही है। पहले ऑयल ऑयल खूब लगा के ना, मुझे तो पहले से अब अच्छी लगने लगी है। सो गाइज़ ये इवनिंग का टाइम है और यहाँ पे मैं फेस वॉश कर रही हूँ। करीबन 6:30 का टाइम था और ना इवनिंग में या मॉर्निंग में फ़ेस वॉश करने का ही बात ही अलग होता है, जो फ्रेश हो जाता है। ये सोने के बाद उठो ना तो फिर थोड़ा सा फ़ेस वॉश वगैरह करते हैं ना वो। और मैं डेली नहीं करती ये फ़ेस वॉश, तो मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ बस, डेली नहीं। और ये इतना बढ़िया यार, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप लोग भी जो नहीं लेते हैं प्लीज़ लीजिए। और इसका जो है ना बहुत बढ़िया है, ये वाओ का फेस वॉश बहुत बढ़िया है, एकदम डीप क्लीनिंग कर देता है, जिस जितने भी डस्ट वगैरह रहते हैं वो अच्छे से ये निकाल देता है। और ना जब ये करते हो तो मन ऐसा लगता है ना कि नींद सा आ रहा है जब इसका फेस वॉश यूज़ करते हैं। और मतलब इतना सॉफ्टनेस इसका ब्रश है, इतना बढ़िया है कि उतना अच्छे से आप लोग हाथ से नहीं कर पाओगे जितना बढ़िया ये ब्रश से होता है। तो बस मैं उठी थी तो मैंने सोचा कि पहले क्लीनिंग वगैरह मैं अपना फेस का कर लेती हूँ थोड़ा सा। और 2-3 दिन से मैं थोड़ी बिज़ी रहती हूँ, कोई ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, बना रही हूँ बस थोड़ा बहुत, मतलब क्लिप जा रही है आप लोग के साथ और मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ इस टाइम है ना, कुछ होता है ना कि टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा मुझे, तो जैसा कि मिलेगा तो मैं स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए मेरा फेस एकदम क्लीन हो चुका है, एकदम फ्रेश फील होता है ना जब फेस वॉश करते हैं। तो ये आराध्या की साइकिल भी यहीं पे रखी हुई है, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही थी। देखो जैसे लग रहा है कि कोई क्रीम वगैरह या फेस पैक वगैरह लगाए ना। ये देखो कैसे बंद किया, वेरी गुड। कहाँ चलो, चलो नीचे चलते, हम जा रहे नीचे, चलो आप भी चलो, मम्मा जा रही है, चलो चलो नीचे। हाँ आराम, बॉल ले लो, बॉल क्या करोगी, गो के साथ खेलो के। अच्छा बैट कहाँ गया, बैट आपका गायब नहीं हो गया, रूम में रखा है। चलो हम देते हैं तुम, आराम से चलना लगे, गिरना नहीं, ओके बैट से खेलोगे, अच्छा बैट के खेलोगे, बैट के रूम में, गार्डन में नहीं जाना।
चलो जाओ। बंद करो, खींचोगे तो बंद हो जाएगा, पहले बंद तो करो डोर। हाँ डोर ऐसे पकड़ो, हाँ हाँ वेरी गुड। थोड़ी सी मस्ती वगैरह चल रही थी और ये यहाँ पे मुझे कपड़े वगैरह फोल्ड करने थे तो मैं तुरंत तो नहीं प्रेस करती हूँ। हाँ एक दो दिन मैं अधिकतर मैं कपड़ा प्रेस ही नहीं करती हूँ, धोबी के यहाँ जाता है तो ये डेली वेयर के जो कपड़े होते हैं ना वो मैं अच्छे से फोल्ड करके रख दे रही हूँ। और यार कपड़े ना अगर मतलब साफ़ कर लो और दो तीन दिन क्या एक हफ्ते से ऊपर हो रहा होगा, बारिश बनी है तो आज थोड़ी सी धूप कल निकली थी। आज का मौसम जो है ना आज धूप है बहुत हल्की हल्की सी है, ये नहीं कि एकदम खुली धूप है। तो बस वहाँ पे कपड़े वगैरह मुझे फ़ोल्ड करना है और प्रेस तो करते हैं बाद में ही जाता है, तो मैं डेली वेयर का कपड़ा तो बहुत कम ही प्रेस करती हूँ। इनका रहता है या आराध्या के कुछ कपड़े कुछ ज़्यादा मतलब सिकुड़न सी आ जाती है तब मैं करती हूँ। और कपड़े धुलना फिर सुखाना या इस टाइम यार कपड़े सूखना भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत धूप थी तो इतने कपड़े सूख गए थे और ये सब मैंने हाथ से ही धुले थे, मशीन नहीं लगाई इस वजह से ना बारिश तो थम ही नहीं रही है, बारिश आ ही जा रही है। तो कपड़ा अगर मैं ज़्यादा धुल लूँगी तो मुझे जगह नहीं है कहाँ मैं डालूँ मतलब। और ना अजीब सी स्मेल सी आने लगती है जब कपड़े अच्छे से धूप में जिससे सूखते हैं ना उस तरह नहीं आता, तो वो मतलब चादर भी थोड़ा बहुत मेरा नहीं सूखा था ज़रा सा। और इनके कपड़े थे आराध्या के थे और मेरे थे, कपड़े तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कपड़े ना एक पहनो फिर दो, तीन आराध्या का तो 3-4 सेट निकलता ही है डेली का, और भैया का लोअर वगैरह भी था तो मैंने साफ किया था उस दिन, कल का ही मैंने साफ किया था। और कल शाम में थोड़ी बहुत धूप निकली तो मैंने देखा कि हाँ भाई धूप वगैरह है तो मैं डाल दी। सो गाइज़ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, अगर न्यू होंगे मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ पहले आप लाइक कर दीजिए करिए उसके बाद। और ये गाइज और कहना है कि जो आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो फिर बाद में अन कर दे रहे हो तो इससे अच्छा आप आओ ही ना और करो ही ना सब्सक्राइब, क्योंकि ना जब बढ़ता है तो खुशी होती है, जब ये घटता है तो बहुत ख़राब लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं ना दीवार पे आराध्या ने इस केस से लिखा है, लिखा क्या है इसमें बस ख़राब कर दीजिए दीवार एकदम। और इसको कहीं पेन वगैरह मिल जाता है ना तो ये शुरू हो जाती है, कॉपी पेन कॉपी वगैरह में तो लिखती है दीवार वगैरह पर भी लिख देती है। और ये देखिए चादर में वही सूंघ रही थी कि अच्छे से सूखा है कि नहीं, अजीब सी स्मेल सी आने लगती है ना, तो सूख चुका था थोड़ा बहुत था तो मैंने फोल्ड करके ऐसे रख दिया था क्योंकि सूखा तो था एकदम हल्का हल्का सा ऐसा था कि नहीं, तो मैं अभी तो फोल्ड करके रख दे रही हूँ, जब धूप निकलेगा धूप में डालूँगी अच्छे से, ये धूप से जब ना बढ़िया से हो जाएगा तो फिर इसकी स्मेल जो है निकल जाती। उसके बाद मैं सीधे किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ पर आरवी की पकौड़ी बनेगी, बैगन की पकौड़ी और यहाँ पे बेसन वगैरह जैसे घोल होता है ना वो बन रहा है। तो बारिश के मौसम में पकौड़ी तो बनता ही है, ऑयली चीज़ तो बारिश में ही सही लगता है। उसके बाद ये देखिए बैगन की पकौड़ी जो है ना कितना बढ़िया फूल फूल के आ रही है और बहुत क्रिस्पी लगती है इस टाइम पकौड़ी कड़ी खाने में मौसम के, क्योंकि ना जब गर्मी होती है तो ऑयली चीज़ बहुत कम मन करता है खाने का, गर्मी में इच्छा भी नहीं करती ना किचन में जाने का ना ही खाने का ऑयली चीज़, तो ये मन करता है भाई सादा, क्योंकि भाई बिना खाए तो चल नहीं सकता, खाना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे मैं थी और मम्मी भी थी तो सब, कल संडे था सॉरी, हाँ कल नहीं सैटरडे का था सॉरी, ये तो संडे तो आज है, आज तो मैंने कोई ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर नहीं किया, आज का ये कल की क्लिप थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत जो सूट हुआ वही मैं डाल दे रही हूँ। और यहाँ पर ना पकौड़ी प्याज का था और अरवी की थी, बैगन का था और आलू का भी था, तो मैंने बस थोड़ा बहुत वहाँ पे प्याज वगैरह में मैं कट कर रही थी। और यहाँ पे हरी मिर्च ना जब ये तल के खाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगता है ग्रीन ग्रीन सा, और ये बहुत मिर्ची बहुत तीखी थी तो यहाँ पे प्याज वगैरह कट चुकी है, इसकी पकौड़ी बनना है। और पकौड़ी हो या कुछ हो ना तो शाम टाइम में सब आए थे गेस्ट, गेस्ट क्या घर ही के लोग थे, तो मेरे यहाँ ना पापा मम्मी जब रहते हैं ना कोई आता जाता रहता है, तो मम्मी ने कहा चलो आज पकौड़ी ही बन जाती है, पाइस मौसम भी था बढ़िया सा, तो आप लोग भी पकौड़ी। बैंगन की पकौड़ी तो मुझे बहुत कम पसंद है, सबसे ज़्यादा मुझे फेवरेट मेरा है ना प्याज की पकौड़ी, और मेरे घर पे सबको पसंद है मतलब खाते तो सब, ऐसा नहीं कि एक दो पीस भी नहीं खाएंगे, खाएंगे सब,
देखिए जितना अच्छे से प्याज की पकौड़ी खाते हैं ना, तो मुझे भी बहुत पसंद है और घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद है ये प्याज वाली पकौड़ी, और टेस्टी भी लगता है खाने में। तब यहाँ पे मम्मी मतलब निकालती चली जाएंगी, मम्मी और मैं, क्योंकि आप लोग को पता है ना मम्मी और मैं साथ में ही सब काम मिलके ही कर लेती हूँ, तो मम्मी से मैंने कहा भी कि मम्मी लाओ मैं तलती हूँ, मतलब ये छान लेती हूँ। तो मम्मी ने कहा नहीं ठीक है आप मतलब हम निकाल रहे हैं आप जाओ सब खुद देख के आओ। तो ये देखिए बैंगन की पकौड़ी एकदम बन के जी तैयार है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। यहाँ का मौसम जो बहुत सुहाना है, एकदम बादल तो है, बारिश नहीं हो रही है, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, बादल पूरी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो ये मौसम जो ठंडी ठंडी हवा का होता है ना एकदम गजब वाला रहता है, और ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है, और एकदम मतलब बहुत बहुत बढ़िया लगता है। सो गाइस मेरी पकौड़ी आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया फूल के आई है, और अच्छी भी लगती है पकौड़ी हुआ या कुछ। तो यहाँ पे ना मम्मी मिर्ची की भी पकौड़ी बनाएंगी यहाँ पे, क्योंकि अच्छा लगता है सबको, तो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रही थी वही पकौड़ी। तो यहाँ पे देखो मिर्ची की भी पकौड़ी स्टार्ट हो गई है तलना, ये देखिए तल के कुछ ऐसा आया है। किस किस को पसंद है बैंगन की पकौड़ी और मिर्ची, मतलब होटल वगैरह में ना अक्सर पकौड़ी के साथ जो बेसन का होता है ना मिर्ची तल के देते हैं, तो ये अरबी की देख लें कितना बढ़िया लग रहा है। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी कितना मतलब मैंने बॉयल करके, अगर आप लोग कच्ची भी कर सकते हैं तो कच्ची में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा होने में, और सही रहता है सबसे बढ़िया ना रहता है कि बॉयल करके ही अरबी की पकौड़ी खाई जाए। अगर जो अरबी की पकौड़ी कभी नहीं खाए होंगे तो आप लोग ट्राई करिएगा ज़रूर, और मेरे साथ अपना फीडबैक मतलब शेयर करिएगा। तो यहाँ पे सबकी प्लेट मैंने लगा दी है, बैंगन की पकौड़ी और मिर्ची की पकौड़ी वहाँ पे रखा हुआ है, अरवी की पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी, जैसा कि मैंने बोला था कि अभी मैंने प्याज कट किया था ना, तो अभी वो बन नहीं, तब तक ये लोग ये खाएंगे। यहाँ पे मेरी चटनी है वो भी तैयार है, चटनी मैंने सिंपल ही बनाई थी, सिर्फ मूँगफली और उसकी खटाई वगैरह डाल के ना वो होता है। तो यहाँ पे प्याज की भी पकौड़ी मम्मी मतलब तल रही हैं। तो आप लोग अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फैमिली दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए मम्मी ना अच्छे से इसको जब छान लेते हैं ना, तो तेल जो है जितना एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो निकल जाता है। और वहाँ पे आप लोग तो देख रहे होंगे मतलब मैंने चिप्स भी रखा है थोड़ा सा, और ये है पापड़ी जो होती है वो भी, क्योंकि पकौड़ी खाने के बाद चाय के साथ ये जाएगी, और ये हल्का होता है थोड़ा सा, और जिनके भी मतलब बहुत लोग को मेरे घर पर सबको पसंद है, ये खाते भी हैं। आप लोग खाते नहीं गए ज़रूर बताइएगा, हमें लगता है सब लोग खाते हैं अधिकतर। और कल मैं आप लोग को एक नई जगह ले चलूँगी, और नई क्या है शायद आप लोगों ने देखा भी है ये, फिर भी मैं ले चलूँगी, और थोड़ा सा ब्लॉग ओके छोटा मेहमान आया है, कौन आया वो मैं आपको कल बताऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मैं फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।